क्योंकि देख सकते हैं आप ये बच्चे की पलाई कितनी बुरी हो रही है। गर्मी में क्या है ना कि दोस्तों कबूतर पानी पीता है, दाना तो कम खाता ही है, वो पानी पानी पीता है, वो खुद ही जब दाना नहीं खाएगा ढंग से तो वो बच्चे को क्या भराएगा दोस्तों। तो ये भी थोड़ा बच्चा बड़ा होते हैं, हम इसकी भी मादिन हटा देंगे। और हमने सबकी मादिन हटा दी, आपको मादिनी भी हम बताएंगे। और जैसे कि दोस्तों हमारे कई भाई बोल रहे थे हमारे को काशनी चाहिए, ये रहा हमारा जो मेन वाला काशनी है ना दोस्तों, ये है वो। तो हमारे भाई है बहुत, जो एक भाई हमारे मेहरूम भाई है वो भी बोल रहे थे हमें, तो मेहरूम भाई यही है वो काशनी जिससे हमारी परफेक्ट ब्रीड चलती है। तो अभी देख सकते हैं आप, हमने भी बच्चे भी नहीं लिए हैं, जैसे हम दोस्तों जोड़े लगाएंगे वैसे हम शुरुआत कर देंगे। हमारे दोस्तों के घर भी फिर हमारे घर की नस्लें निकलेगी, तो इसके लिए हमें मादिन मिल गई है दोस्तों। और अभी लॉकडाउन लग रहा है, हमें मादिन भी बिल्कुल इससे भी खूबसूरत मिली है, मगर हम जा नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अजमेर में लॉकडाउन हटेगा वैसे हम ले आएंगे इसके लिए मादिन। देख सकते हैं आप, ये तो हमारा बहुत प्यारा कबूतर है, मादिन तो इससे भी खूबसूरत है दोस्तों, आपको क्या ही बताऊं। और फाइनली हमें इसके लिए मादिन मिली गई, देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी की। जाल देखिए दोस्तों इसका, कि आंखें भी देखिए। तो ये हमारा मैना दाग है दोस्तों, हमारे एक मैना दाग वाले भाई है हिमांशु भैया, उनके पास तो एक से एक मैना दाग है दोस्तों, भट्टे पे है उनकी छत पे, बैंड वाले के नाम से मशहूर है, आपको पता ही होगा जैसे कि। तो ये है उनके पास तो एक से एक मैना दाग है दोस्तों, आपको उनका भी शौक हम दिखाएंगे। एक हमारा मैना दाग याला देखिए दोस्तों कितना, ये बहुत बड़ा कबूतर देख सकते हैं आप, कितना प्यारा है ये। और आज तक इसके गंडे ही नहीं बने दोस्तों पूरे, ही देख सकते हैं आप इसके आधे ही गंडे बने हुए हैं, दूसरी साइड भी आधे ही है, आज तक ही नहीं बने, क्योंकि ये कबूतर गंडे नहीं बना पाता है। तो जितने भी हैदराबादी खेरे होते हैं ना उनसे आप ब्रीड करवाइए और आपके कबूतरों के ना शेड कटवा सकते हैं आप, अपडेट हो जाएगी, मतलब आपके भी जो कबूतर होंगे ना ऐसे कर हो जाएंगे बिल्कुल। ये इससे हमने खेरी लगा रखी थी पहले, वो हट गई है हमारे पास से, बीमार हो गई थी जो मर गई थी फिर वो, तो अभी हमने इससे अमीरी लगाई है खेरी। तो अब देखते हैं इसका क्या होगा रिजल्ट जो भी होगा दोस्तों मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। और अभी हमने सारे जोड़े हट चुके हैं, बस ये जोड़ा है, ये भी थोड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए चुगने लायक, तो हम इसकी भी मादिन हटा देंगे। वैसे ये जोड़ा कोई भराता ही नहीं है मादिन या नर, कुछ कोई नहीं भराता इनको। मैं ही जोड़े इस बच्चे को दोस्तों चने खिला देता हूँ, सुबह 20 चने शाम को 20 चने, मैं ही आके टाइम मिलता तो खिला देता हूँ, नहीं तो फिर कि माँ बाप जो भराते वही भरा देते। देख सकते आप वापिस अंडे पर आ गई है, बच्चों को चुबाई ले रही है, बच्चे को तो चुबाई नहीं रही है और अंडे पर आ गई है। तो और ये फुलसी का भी हमारे गर्मियों में बहुत होता है, देख सकते हैं पास में खेत है दोस्तों, खेत में मच्छर बहुत है, तो मच्छरों के जैसे बहुत ज़्यादा फुलसी होती है। और जैसे कि दिख ही रहा है अभी बाहर हमारे पट्टे भी खुल रहे हैं, कि दोस्तों छांट खा रहे हैं, आपको बताता हूँ मैं। देखो पट्टों को छांट खिलाना बहुत ज़रूरी है अगर इनकी अच्छी ग्रोथ चाहिए तो। ये देख सकते हैं दोस्तों ये बड़ा है, एक्स्ट्रा दाना ये खाते हैं, घूमते रहते हैं, तो ऐसे ही है दोस्तों। ये हमारी मैना दाग मादिन, ये अभी बहुत सही हो गई है देख सकते हैं आप, तो छाट खा रहे हैं दोस्तों बच्चे। और फाइनली आप देख सकते हैं हमने लास्ट, सिर्फ लास्ट पेयर है हमारा ये वाला ही, और उसके बाद हमने सारे जोड़े हटा ही चुके हैं हम। और अब फिर वापिस हम जब जोड़े लगाएंगे दोस्तों, जब हम वापिस जोड़े लगाएंगे, अभी एक मादिन है दोस्तों खेरी, अभी नर है इसका कुछ पता नहीं है, इसीलिए हमने इसको रोका है। अगर ये फाइनल हमें पता चल जाएगी अगर ये मादिन होगी तो हम इसका जोड़ा दोस्तों इस नर से लगाने वाले हैं इससे, क्योंकि ये खेरे मादिन से बहुत ही अच्छे और बहुत ही साफ बच्चे निकालता दोस्तों खेरी। पहले हमने जो इससे जो मादिन लगा रखी थी दोस्तों खेरी, वो उससे पहले हमने इससे लगा रखी थी और बहुत ही अच्छे बच्चे निकालता था, फिर हमने इससे लगा दी, इससे भी बहुत प्यारा रिजल्ट था और कुछ बच्चे हमारे उड़ भी रहे हैं।
और ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा काशनी। और ये बहुत ही प्यारे बच्चे फेंकता है। इसका मैं आपको इसका ये देखिए देखिए दोस्तों, ये इसको इसका ये कलर देखिए कैसा है। इसके शेड भी है, फिर भी इसकी एक बच्चे का मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ इसका कैसा है, आप बताइएगा, आप खुद बोलोगे दोस्तों कि बहुत ही प्यारी चीज़ निकालता है ये। पहले तो दोस्तों ये है एक बच्चा इसका, ये देखिए ये चोटीदार जो है ना दोस्तों, ये उसका बच्चा है ये। एक तो ये वाला है दोस्तों, और एक बच्चा इसका ये रहा ये। और आप इनका कलर देखिए दोस्तों, दुम गर्दन चेहरा पेट सीना सब देखिए, सिर्फ गंडे ही चमक रहे हैं और कुछ नहीं दोस्तों, बस ये है दोस्तों। और मादी ने हमारी सारी इधर है दोस्तों, दो मादी ने हमने बाहर भी खोल रखी है, वो अभी अभी ब्रीड सटी है इसलिए। ये देखिए हमारी सफल दोस्तों, सफल है। और ये हमारी वो चौकीदार की मादी ने, ये हमारे घर की पट्टी है। और ये हमारे काशनी मादी ने जो अभी ब्रीड पे नहीं डली है, बरसातों के बाद हम ब्रीड पे डाल देंगे। और एक हमारी घर की पट्टी है दोस्तों, ये मैना दाग, ये एक ही निकली थी और बाकी हमारा जोड़ा हमने ले लिया जिसका था वो। और ये भी एक मादी ने हमारी दोस्तों, ये भी खूब अच्छे बच्चे निकालती है, लेकिन अब हम इससे बच्चे नहीं लेते क्योंकि ये बच्चे निकालने में बहुत टाइम लगाती है। और एक पैर भी है लंगड़ी है दोस्तों, और उससे भी प्यारी एक हमारी ये मक्खियानी है जो मुझे देखिए, ये देखिए दोस्तों ये मक्खियानी है बहुत ही प्यारी। वो सपस के जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, हमने सपस से एक वो नर लगा रखा था लालबन चाननत चिराग दोस्तों, तो वो हमने हमारे दोस्त को दे दिया जिनका था वो। और रिजल्ट हमने ले लिया, और इतना कोई ख़ास रिजल्ट नहीं निकला जो हमको चाहिए थे, जिस तरीके से बच्चे वो नहीं निकल रहे थे, तो फिर हमारा भी मन नहीं कर रहा था कि बच्चे लेने का। तो और ये जो सेंटीनेट है दोस्तों, इसके लिए हम हमारे घर का ही एक पट्टा लगाएंगे, जैसे ये देख सकते हैं आप सेंटीनेट एरी, ये है दोस्तों इसके गंडे, आप देखिए कितने प्यारे गंडे की है ये, मैंने आपको मेरी हर वीडियो में दिखाया है। और इसके मैं आपको बता दूँ, इससे हम याला नर लगाने वाले हैं दोस्तों। ये बैठा है सामने सामने ही बैठा है दोस्तों, वो नर वो रहा अमीरे के पास वाला, जिसका चेहरा हल्का सा गंदा हो रहा है। इसके तो पहले अभी मुँह में अभी गांठ हो गई थी, वो मैंने निकाल दी, तो ये नर लगेगा दोस्तों इससे। और सच बताऊँ ना, ये इसी का ही बेटा है, और इससे हम कुछ ये दो मादी ना मैंने बाहर इसलिए खोल रखी है क्योंकि मैंने अभी अभी इन्हें अंडों पे से हटाया है दोस्तों। ये इतने टाइम पहले दोस्तों अंडे बच्चे कर रही थी, तो अभी इनको के छाट खाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये अभी ये बरसात अभी 1 से 2 महीने हम इनको फ्री रखेंगे, सिर्फ इनको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। रोटी दोस्तों, रोटी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये हमारे पट्टे हैं जो अभी छाट खा रहे हैं, पट्टों के हम पर नहीं काटते वैसे दोस्तों, हम इनके पर इसलिए काट देते हैं, हमारे जंगली कबूतर उतर जाते हैं, वो जैसे उड़ के जाते हैं तो वैसे हमारे पट्टे भी चले जाते हैं उनके पीछे पीछे। और ये मादिन भी हमने अभी अभी अंडों पे से हटाई है, वैसे हमने इसके अंडे हटाए देते हैं, लेकिन अब तो हमने इस मादिन को भी अंडों पे से हटा दिया है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मादिन है दोस्तों, ये जो मैना दाग होते हैं दोस्तों बहुत ही प्यारे हैं, वो उस तरह की है ये दोनों मादिन है दोस्तों। इन्हें हमने अभी अभी अंडों पे हटाया फाइन, और इस लाल जोगे के बच्चे भी जो मर गए दोस्तों, हमारे बारिश आई थी तो वो बच्चे भी मर गए थे। इधर आपने देखा था पहले वाली वीडियो में 2 बच्चे थे, वो दोनों ही मर गए दोस्तों क्योंकि बरसात आ रही थी। और ये पिंजरा भी मेरा बहुत ऊंचा है, इससे कबूतर के पेट में दाना रह गया। और ये खेरी है दोस्तों, ये मैना दाग बहुत ही क्यूट हमारा प्यारा मैना दाग का शौक मुझे तो नहीं है, मेरे बड़े भाई को है ये दोस्तों। और ये लाल जोगे मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हमारे पास ये एक ही जोड़ा है, इसलिए पसंद है दोस्तों। और फाइनली तो ठीक है दोस्तों, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, कबूतर एक बार और देख लीजिए, ये बच्चा बहुत कमज़ोर पल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, देखिए अब कितना मतलब फुंसी भी हो रही है इसके तो।
और ये बहुत ही क्यूट निकलेगा, मैं इसको बचा लूँगा दोस्तों। मगर बस यही है, वो ऊपर वाले के हाथ में दोस्तों, बचाना मरना मारना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये बच्चा मांगता है, लेकिन ये माँ बाप बनाते नहीं है इसे। वो इसलिए नहीं क्योंकि दोस्तों गर्मी में कबूतर बहुत कम दाना खाता है, और ना ही वो खुद खाएगा जब ढंग से, तो बच्चों को क्या बनाएगा दोस्तों। वो पानी पानी बना देता है, और पानी से तो कोई बच्चा पलता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त चाहते हैं आपसे, फिर मिलेंगे।